हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे इस तरीके के जो सॉक्स होते हैं हमारे घर में जो वेस्ट हो जाते हैं, जिनके कलर फेड हो जाते हैं, इलास्टिक खराब हो जाती है या फिर थोड़े बहुत फट जाते हैं, होल हो जाते हैं, उनको आप किस तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो ज़्यादातर इसी चीज़ पर रहते हैं कि आप घर के वेस्ट कपड़ों को किस तरीके से यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अभी बारिश का सीज़न आ गया है और इस तरीके के छाते हम सबके घर में रहते ही हैं, तो इस तरीके के छाते गंदे ना हो इसके लिए आप इस तरीके का सॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, उसको कवर के जैसे। तो इस तरीके से जस्ट इसको पहना दीजिए और देखिए आपका DIY कवर हो गया है रेडी यहाँ पे। तो सेकंड है फ्रेंड्स, इस तरीके के जो ग्लास होते हैं, कप होते हैं, जो बहुत ही डेलिकेटेड होते हैं, टूटने का डर रहता है, थोड़ा भी नाजुक रहते हैं बहुत, इनको आप इस तरीके से सॉक्स में कवर करके रख सकते हैं। इस तरीके से कवर करने से आपके ग्लासेस टूटेंगे भी नहीं और ये आपस में टकराएंगे तो भी ये टूटेंगे नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा DIY है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने सॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप रखेंगे तो आपस में ये टकराएंगे तो भी ये टूटने का डर नहीं रहता है इन चीज़ों को। तो जब आप घर को मूव करते हैं इधर से उधर, तब भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं सॉक्स को। तीसरा तरीका है, इस तरीके के जो हमारे शूज़ होते हैं, जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमें समझ नहीं आता हम शूज़ों को किस तरीके से ले जाएं, डायरेक्ट हम रख नहीं सकते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं हमारे, या तो हमको उनको कैरी बैग में कैरी करना पड़ता है, या फिर आप घर पे इस तरीके से भी रख सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं ट्रैवल पे, यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से सॉक्स को। और जनरली भी आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं घर पर भी, तो ये बहुत ही अच्छा DIY है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ये बैंगल्स को लेके, जो बैंगल्स होती है हमारी, इस तरीके का बॉक्स अगर आपके पास है फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं है इस तरीके का बॉक्स अगर आपके पास तो आप सॉक्स को इस तरीके से सेंटर से कट कर लें, जितनी आपको चूड़ियां उसमें रखनी है उस हिसाब से आप इसको कट कर लें और फिर इसमें चूड़ियों को आप पिना दें। तो देखिए चूड़ियों को मैंने इसमें डाल दिया और इस तरीके से जैसे पैकिंग आती है चूड़ियों की, उस तरीके से आप इसे करके रख सकते हैं और देखिए इसका टूटने का भी डर नहीं रहेगा। और आप चाहें तो इसमें एक छोटा सा होल कर सकते हैं बीच में, जिससे आपको पता रहे कि इसमें किस कलर की चूड़ियाँ रखी हुई हैं। मैं इसको वापस रख देती हूँ, मेरे पास ये इस तरीके का है और ऑर्गेनाइज़र भी मैंने बनाए हुए हैं, आगे मैं आपको वीडियो में वो भी शेयर करूँगी। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, इस तरीके के जो बॉक्सेस होते हैं आप यहाँ पे प्लास्टिक के भी ले सकते हैं, जिसमें खाना वगैरह आता है, आइसक्रीम्स आती है, इस तरीके के जो कंटेनर्स होते हैं हमारे, उसको आप इस तरीके से सॉक्स पहना दें और फिर उसको अंदर डाल दें एक्स्ट्रा का उसको, और फिर नीचे का जो हमारा राउंड है उसी हिसाब से हमें इस कार्डबोर्ड का कट करके लेना है। कार्डबोर्ड को ये देखिए मैंने कट करके ले लिया है और अब हम मैं इसको डाल दूँगी इसके अंदर ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ये देखिए ऐसे अब हमारा पेन होल्डर हो गया है रेडी। ये देखिए कितना अच्छा DIY पेन होल्डर हमारा रेडी हो गया है, एक मिनट भी नहीं लगता इसको बनाने में और इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने ये मेकअप के लिए भी बनाया हुआ है और ये जो कंटेनर है ये इसमें खाना आता है, वही कंटेनर को मैंने सॉक्स पहना के बनाया हुआ है। और इस तरीके के जो पास होते हैं, जो गमले होते हैं, ये जो आर्टिफिशियल्स होते हैं या फिर आपके जो रियल में भी आप अगर रखते हैं घर पे तो उसको भी आप इस तरीके से रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं अलग अलग कलर के सॉक्स पहना के। नेक्स्ट है जो ऑयल का कंटेनर होता है हमारा, इसमें से ऑयल लीकेज होकर बुरा चिपचिपा हो जाता है डब्बा, तो इस तरीके से आप सॉक्स को कट करके साइज़ के हिसाब से इसको पिना दें। और ये मेरा सबसे फेवरेट वाला DIY है, इसको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मतलब सॉक्स जब भी ख़राब निकलते हैं तो मैं इसको ऐसे पिना देती हूँ, तो चेंज करती रहती हूँ इसको, और ये सबसे फेवरेट वाला मेरा DIY है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छा है। तो घर में आपके जितने भी ऑयल के कंटेनर हैं, बॉटल हैं, उसको आप इस तरीके से पहना दें। नेक्स्ट है हमारा, इस तरीके से मैंने और एक सॉक्स ले लिया है और इसका देखिए जहाँ से पॉइंट निकला हुआ है वहाँ से मैंने छोटा सा इसको कट लगा दिया है। अब मैं यहाँ से एक कट लगा रही हूँ इसे। तो ये DIY आएगा काम फ्रेंड्स आपको सर्दियों में इस तरीके से पहनने के लिए, बट इसके लिए आप एक अच्छा सा सॉक्स लें, ये बहुत बेकार है, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। हाइट भी आप अपने अकॉर्डिंग से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY हमारा, और एक सॉक्स मैंने यहाँ पर ले लिया है और उसको मैंने बीच में से कट कर लिया है, और इस तरीके का जो प्लास्टिक कंटेनर आता है आइसक्रीम वगैरह के, वो मैंने एक ले लिया है और उसके अंदर अब इसको पिना दूंगी। एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर रख के फिर से हमें इसमें कार्डबोर्ड रख देना है छोटा सा, इसके साइज़ का कट करके। ये देखिए इस पर मैंने रख दिया है ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से।
अभी जो नेक्स्ट है इसको यहाँ पर जो कटिंग करके निकाला है हमने यहाँ पर, या तो आप एक सीधा सिलाई कर लें, या तो मैंने ये दूसरा जो निकला था कटिंग का ये मैंने ले लिया है ऑलरेडी यहाँ पे सिला हुआ है तो। और इसके अंदर जो हमारी कटिंग्स हैं जो वेस्ट, या तो आप सॉक्स डाल दें इसके अंदर, या फिर आपके पास कपड़े के कोई टुकड़े हैं तो वो डाल दें इसके अंदर। डाल के इस तरीके से हमें पोटली बना लेनी है एक छोटी सी, और यहाँ पर हम इसे बांध देंगे इस तरीके से बनाना है हमें। तो मैं इस सॉक्स को ही कट करके इसको बांधने वाली हूँ। तो यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा सॉक्स को कट कर लिया है छोटा सा, अब मैं इसी से इसको बांध दूँगी। देखिए, और इस तरीके से प्रेस करके हमें इसे राउंड बना लेना है ताकि इसमें बैठ जाए अच्छे से इस तरीके से। तो ये देख लीजिए मैंने सेट कर लिया है। अब इसे हम या तो फेविकोल के मदद से, या फिर आप सुई धागे से भी इसे सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास फेविकोल नहीं है तो आप सुई धागे से इस तरीके से इसको सिल लें तीनों चारों तरफ से, सॉरी राउंड में। और मेरे पास तो ये फेविकोल है तो मैं फेविकोल से इसको चिपका रही हूँ। इस तरीके से लगा देंगे फेविकोल को हम, और जस्ट इसके ऊपर इसको रख देंगे और इसको थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए मैंने रख दिया है, और थोड़ी देर या तो आप इसके ऊपर कुछ वजन रख दें हल्का सा, या फिर थोड़ी देर इसको प्रेस करके रखें तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। और इसको आप जो सिलाई करते हैं उसको ऑल पिन की जैसे जो होती है हमारी, इसको लगा के इस तरीके से रख सकते हैं। और ये कपकेक जैसा लग रहा है, देखिए कैसा लग रहा है उसको देख के, इतना अच्छा डिज़ाइन बन गया इसका। तो नेक्स्ट है हमारा इस तरीके का, देखिए मैंने पीस जो कट किया था उसका ये नीचे का पोर्शन है, सॉरी ऊपर का पोर्शन है ये, तो नीचे का इस तरीके से हमें स्ट्रेट कट कर लेना है इसे। और अब हम इसे इस तरीके से गोल गोल फोल्ड करेंगे तो ये हमारा बहुत ही अच्छा रबर बैंड रेडी हो जाएगा। इसके लिए आपको इलास्टिक जिसका अच्छा हो वही वाला सॉक्स आपको यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर रबर बैंड कितना अच्छा रेडी हो गया हमारा, इससे बाल बिल्कुल भी नहीं खींचते और बहुत ही सॉफ्टली हमारे बालों में रहता है ये सेट। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, मैंने और एक सॉक्स ले लिया है और नीचे से इसको इस तरीके से कट कर लिया है देखिए। और अब इस तरीके से हम इसकी पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पट्टी कट कर ली है इस तरीके से। इसी तरीके से आप बहुत सारी पट्टियाँ कट करके रख लें, क्योंकि इस तरीके के जो सामान होते हैं हमारे किचन में जो थोड़े थोड़े निकल जाते हैं और उसको पैक करना रहता है, तो इस तरीके से आप इसको रबर लगा के रख सकते हैं। तो ये रबर का काम करता है बहुत ही अच्छा। जो इलास्टिक्स आती हैं वो बहुत चिपचिपी हो जाती हैं, तो इस तरीके से आप अगर सॉफ्ट को रखेंगे तो आपके बहुत काम आएगा सामान को बांधने में। और देखिए जो पीस बचा था इसको फिर से हमें यहाँ से एक कट लगाना है। तो ये ऑलरेडी कट है मेरे पास तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसे मैं यहाँ पर इस बटन को यहाँ पर लगा दूँगी, यहाँ स्टिच कर दूँगी। तो एक बड़े साइज़ का बटन हमें लेना है और यहाँ पे स्टिच कर देना। और इस तरीके के जो वायर्स होते हैं हमारे आयरन के, या फिर जनरली जो भी वायर्स होते हैं उनको आप इस तरीके से बांध के रख सकते हैं। ये देखिए है ना, ये मस्त DIY। और इस तरीके से आप इसको पर्दों में भी लगा सकते हैं, जो पर्दे होते हैं हमारे इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पर्दे का कलर है उस तरीके का सॉक्स को कट करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कितना अच्छा लगता है ये देखिए लगाने के बाद यहाँ पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारा लास्ट DIY। तो इसमें यहाँ पर जो सॉक्सेस होते हैं जो एकदम ही गंदे होते हैं, लगता है हमें इसका कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसे आप इस तरीके से पोंछ सकते हैं अपने TV फ्रिज वगैरह का, सो किचन में भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी सामान पोंछने के लिए, फ़ैन को पोंछने के लिए। इससे बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है सब, देखिए कितना डस्ट निकलता है इसमें से। तो इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें मैं लाती हूँ आपके लिए घर के वेस्ट कपड़ों को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।